अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे। अल्लाह करे सबको सेहतों से नवाजे। अल्लाह हर घर के परेशानियों को दूर करे। अल्लाह हर घर में खैर व बरकत अता फरमाए। अल्लाह हर बच्चे को नेक तौफीक नेक हिदायत दे। आमीन सुम्मा आमीन। आज हम डायमंड्स कुकिंग में क्रीम फ्रूट की रेसिपी लेके आए हैं। उसके लिए मैं क्रीम ले ली और ये सारे इंग्रेडिएंट्स हैं। ये दूध है, ये 1 लीटर दूध है। शक्कर है, ये आप अपने हिसाब से शक्कर लीजिए। मैं 1 कप शक्कर ली। कंडेंस्ड मिल्क है, ये मिल्क मेड, करीब की शॉप पे कहीं भी मिल जाएगा आपको। और ये क्रीम है, ये अमूल क्रीम, करीब की शॉप पे मिल जाएगा आपको। ये मिक्स 3 फ्रूट है, ये मिक्स फ्रूट 3 का, ये भी शॉप पे मिल जाएगा। ड्राई फ्रूट्स है, इसमें काजू है, बादाम है, किशमिश है, अंजीर है, आप अपने हिसाब से आपकी चॉइस पे है ड्राई फ्रूट्स। 1 कप कस्टर्ड है, ये कस्टर्ड पाउडर, वनीला कस्टर्ड पाउडर है। ये फ्रूट्स है सारे, ये एप्पल है, सेब है, ये तकरीबन 3 से 4 सेब ले ली मैं, एक अनार ले ली। ये केवी है, कीवी है, ये ग्रेप्स है, ऑस्ट्रेलियन ग्रेप्स है, इंडियन ग्रेप्स है, ये अपने सपोटा है, बनाना है, मौज, मौसम्बी है, आप अपने हिसाब से आपकी चॉइस पे है फ्रूट्स। जो फ्रूट्स डालना है आपको वो फ्रूट्स डालिए, आप स्किप भी कर सकते हैं। जो आपको नहीं पसंद है फ्रूट उसको स्किप भी कर सकते हैं। मैं सारे फ्रूट्स रखी, आप अपने हिसाब से लीजिए फ्रूट्स। अब बनाना स्टार्ट करेंगे अपन। फर्स्ट अपन कस्टर्ड बना लेंगे। इसके लिए मैं एक पैन रख ली, ये 1 लीटर दूध है पूरा, इसमें डाल देंगे अपन एक पैन में। थोड़ा दूध अपन रखेंगे, इसको अपन इसमें कस्टर्ड मिक्स करेंगे, इसको अच्छा बॉईल हुए तक पका लेंगे दूध को। चलिए देख सकते हैं दूध अच्छी तरह से अपना बॉईल हो चुका है। अब इसमें अपन शक्कर ऐड कर देंगे। 1 कप शक्कर है ये, आप अपने टेस्ट के हिसाब से शक्कर ऐड करिए। इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे अपन दूध और शक्कर को। पूरी शक्कर अच्छी घुल जाना अपनी इसमें। चलिए नेक्स्ट अपन ये दूध रखे थे अपन, इसमें कस्टर्ड मिक्स कर लेंगे। इसमें पूरा 1 कप कस्टर्ड है ये, इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे कस्टर्ड को। ज़रा भी लम्स नहीं रहना इसमें कस्टर्ड में, इसलिए ठंडे दूध में करना कि लम्स नहीं बनना बोल के ठंडे दूध में करते हैं। अगर आप गर्म दूध में अगर करें आप इसके पूरे अच्छे खासे लम्स बन जाते, फिर अपना कस्टर्ड पूरा ख़राब हो जाता। कस्टर्ड अपना अच्छा बनना बोले तो इसको अच्छा मिक्स करके डालना। और देखिए चलिए डालना स्टार्ट करेंगे अपन। अपनी शक्कर भी अच्छी तरह से घुल गई है, आहिस्ता आहिस्ता थोड़ा थोड़ा डालेंगे अपन और इसको अच्छा पका लेंगे गाढ़ा हुआ तक। चलिए देख सकते हैं कस्टर्ड अच्छी तरह से पक चुका है, देखिए पूरा अच्छी तरह से गाढ़ा हो चुका है। अब इसको अपन ठंडे के लिए साइड में रख देंगे इसको, इसके बाद फिर नेक्स्ट बताओ। चलिए कस्टर्ड अपना बन चुका है, साइड में रख लिए कस्टर्ड। अब अपन फ्रूट्स कट कर लेंगे। एक बॉल ले ली मैं फ्रूट्स कट करने। अपन एक एक चीज़ पहले एप्पल कट कर लेंगे अपन अच्छी तरह से। देखिए एप्पल कट कर लेंगे अपन। पूरा अच्छा छिलका निकाल ली मैं इसका। अब इसको ऐसा ले लेंगे एक, फिर इसको ऐसा करेंगे, फिर इसको बीच में से करेंगे, फिर ऐसा छोटे छोटे कट करेंगे अपन इसको। देखिए कितना ईजी कट हो रहे हैं। इसको भी ऐसे करेंगे। चलिए देख सकते हैं सेब पाँ पूरे कट गए अपने। अब अपन ये सपोटा है, सपोटे को कट कर लेंगे। मैं सेब डाल रही हूँ, सपोटा डाल रही हूँ और अंगूर डाल रही हूँ, ऑस्ट्रेलियन अंगूर है। मिक्स फ्रूट का 18 डाल रही हूँ मैं, कीवी डाल रही हूँ, आप अपने हिसाब से डालिए जो भी फ्रूट्स होना है आपको। चलिए देख सकते हैं अपन सपोटे पे कट कर लिया, मॉस कट कर लेंगे अपन, आप अपने हिसाब से मॉस डाल सकते हैं। अपन सेब कट कर लिए, सपोटे कट कर लिए, अब ये मॉस है, मॉस कट कर लेंगे अपन। चॉइस है आप जो भी फ्रूट्स आपको पसंद है वो फ्रूट्स आप डालिए।
बहुत अच्छा टेस्टी बन के रेडी होता अपना मीठा। चलिए देख सकते हैं मॉस कट हो गए, अब अंगूर कट कर लेंगे अपन। या ऑस्ट्रेलियन अंगूर है या अंगूर कट करके बताऊंगी मैं। ऐसा अंदर ही इसके बींजा रहते, ये बींजा निकाल लेंगे अपन, एक में से आधे करके डाल देंगे। चलिए देख सकते हैं पूरे फ्रूट्स अपने कट हो चुके हैं। अपन इसमें ग्रेप्स डाले, अंगूर डाले, ये ऑस्ट्रेलियन अंगूर है, ये सपोटे डाले अपन, मॉस डाले, सेब डाले, और आपकी चॉइस है, अनार डालते तो डालिए आप, मैं नहीं डालती हूँ अनार। अब ये मिक्स फ्रूट है, ये मिक्स फ्रूट, इसमें ये डब्बा पूरा खोल के अपन मिक्स फ्रूट इसमें ऐड कर देंगे, उसके बाद फिर बताऊंगी मैं आपको। चलिए देख सकते हैं अब एक डिश ले ली मैं, डिश में अपन फ्रूट्स ऐड कर दिए, मिक्स फ्रूट्स पूरे फ्रूट्स में ऐड करते रहे इसमें। ड्राई फ्रूट्स है ये, ड्राई फ्रूट्स को, ये अंजीर है, अंजीर को अपन एक में से चार पीसेस कर लेंगे अंजीर के। अब एक में से चार पीसेस कर लेंगे अंजीर के, बहुत टेस्टी, बहुत जबरदस्त बन के रेडी होती है अपनी रेसिपी। चलिए अंजीर डाल दी मैं पूरे, ये बादाम, काजू, किशमिश, पिस्ता, ये सभी चीज़ें हैं, मिक्स कर लेंगे अच्छी तरह से। अब इसमें कस्टर्ड ऐड कर देंगे, आप इसमें चाहे तो आप शक्कर भी ऐड कर सकते हैं, मैं मिल्क में ऐड कर रही हूँ, बल्कि शक्कर ऐड नहीं करी इसमें, पूरा अपन कस्टर्ड ऐड कर देंगे इसमें, अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे इसको। देखिए कितना घट है कस्टर्ड, कस्टर्ड ऐसी ही चाहिए अपने को, ज्यादा ही ढीला नहीं रहना कस्टर्ड। इसमें क्रीम ऐड कर लेंगे अपन, अमूल का क्रीम है ये, अच्छा ऐसा हिलाना है इसको। मिक्स कर लेंगे इसको भी, बहुत टेस्टी बन के रेडी होता अपना मीठा। क्रीम फ्रूट है ये, अपने को फंक्शन हॉल में जो मिलता अपने को वो मीठा बन के रेडी होता है ये क्रीम फ्रूट। नेक्स्ट अपन इसमें मिल्क में ऐड करेंगे, मिल्क में ऐड करेंगे इसमें, आप अपने टेस्ट के हिसाब से ऐड करिए, अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे इसको सभी चीजों को। चलिए देख सकते हैं अपना मीठा बन के रेडी है, माशाल्लाह से बहुत जबरदस्त बना अपना मीठा, आप फंक्शंस में खाते हैं ऐसा मीठा। चलिए अब सर्व करके बताऊंगी मैं, चलिए देख सकते हैं अब सर्व करके बताऊंगी मैं, माशाल्लाह माशाल्लाह देख सकते हैं कितना अच्छा बना अपना मीठा। क्रीम फ्रूट है ये, आप अपने चॉइस पे जो भी फ्रूट्स आपको पसंद है वो ऐड कर सकते हैं, आप मिक्स फ्रूट में भी जो भी आपको पसंद है ऐड कर सकते हैं आप। ये कीवी है, कीवी आप इसके अंदर भी डाल सकते हैं। अंगूर है ये,
चलिए देख सकते हैं, मैं आप टेस्ट करके बताऊंगी। माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त बना अपना मीठा। प्लीज़ आप ज़रूर ट्राई करिए ये रेसिपी को। अगर आपको ये मेरी रेसिपी पसंद है तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को। जब तक कि अल्लाह हाफिज़। नेक्स्ट डे नेक्स्ट रेसिपी लेके आऊँगी मैं। शबा खैर, दुआओं में याद रखिए।